ओल्ड क्रेटा 6GB रैम स्टीरियो विद 360 डिग्री कैमरा। आप समझ सकते हो कितने मजेदार और जबरदस्त काम हुए गाड़ी के अंदर। हाय दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो वो क्रेटा 2015 के बारे में है। ये फर्स्ट जनरेशन मॉडल है और टॉप मॉडल है ये। इसमें काफ़ी सारा काम होने वाला है इंटीरियर के अंदर। जैसे हम इंटीरियर में पेंट वर्क कर रहे हैं, अपोस्ट्री कर रहे हैं, सीट कवर्स लगा रहे हैं, छत पे कर रहे हैं अपोस्ट्री, सिस्टम लगा रहे हैं जिसमें हम लोग स्टीरियो लगाएंगे, एम्पलीफायर है, काफ़ी हैवी वूफर है और भी बहुत सारा काम होने वाला है इस क्रेटा के अंदर। आज डे वन है तो ये गाड़ी तकरीबन हमारे पास 4 से 5 दिन रहने वाली है। जैसे जैसे काम होता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। आज डे 3 है क्रेटा मॉडिफिकेशन का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गाड़ी आई है हमारे पास टोटल इंटीरियर काम के लिए, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए और भी बहुत सारा काम है गाड़ी के अंदर। तो दरवाजे हमारे फाइनल हो गए हैं जिसमें हमने ये सारा काम पेंट वाला किया है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पर हमने कार्बन फाइबर किया है और एम्बिएंस लाइट की स्ट्रिप भी इसमें इंस्टॉल हो चुकी हुई है प्रॉपरली। तो काम हमारा स्पीड से चल रहा है और डे 5 तक हमारा टारगेट है कि हम गाड़ी कंप्लीट कर देंगे। अभी और भी चीज़ें पेंट होकर आई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। पीस काफ़ी पेंट होकर आ चुके हैं मेरे, सीट कवर्स बन रहा है अभी, ये पिलर्स हैं इसके जो इंटीरियर मैचिंग कलर में आ चुके हैं, वुडन भी काफ़ी पीस आए हुए हैं, सेंटर कंसोल ये रखा हुआ है, पूरा सेंटर कंसोल ही हमने पेंट किया इस गाड़ी का। तो एक बार फिट हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे क्या लुक आ रही है, ऐसे तो भी खोल के दिखाएंगे नहीं हम आपको। आज डे 5 है और हमारी क्रेटा कंप्लीट हो चुकी हुई है। वैसे करने को हम 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते थे बट कस्टमर ने बोला इसको भैया आराम से करो, तसल्ली से करो, मुझे जल्दी नहीं है। तो हमने भी कोई जल्दबाजी नहीं की और एक मास्टरपीस तैयार कर दिया हमने क्रेटा का। आपके सामने इंटीरियर काम बहुत ज़बरदस्त हुआ इस गाड़ी के अंदर, प्रॉपर फिट एंड फिनिश के साथ में हुआ, एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया, कोई कमी ना आए। गाड़ी जब हमारे पास आई थी ऑलरेडी इसमें बहुत स्क्रैचेस थे, बहुत दिक्कत थी, बहुत चीज़ें इनमें टूटी भी थी क्योंकि ये लोडिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी। तो कस्टमर चाहते थे कि उसमें कुछ नयापन आ जाए गाड़ी में, उनको फ्रेश लुक आ जाए गाड़ी के अंदर ताकि वो गाड़ी को 2-3 साल और ड्राइव कर सकें। उन्होंने सब कुछ हमारे हाथ में छोड़ रखा था, जैसे हम इंटीरियर करना चाहते हैं, जैसे हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, जो हम कलर देना चाहते हैं, कलर उन्होंने बताया था कि टैन करना है, बाकी सब डिज़ाइन स्टाइल हमने उनको बताया। जैसे डोर्स पर हमने प्रॉपरली पेंट किया, आप देख सकते हो फिट एंड फिनिश के साथ में। यहाँ पे कार्बन फाइबर का काम किया हुआ है, हाइड्रोग्राफिक ट्रांसफ़र किया हुआ है, ऐसे आपके एसी वेंट्स में किए हुए हैं, स्टीरियो वाला जो आपका फ्रेम है उस पर हुआ हुआ है, बिल्कुल फ्रेश लुक दे दी गई गाड़ी को। और जो हमने टैन पेंट किए हमने दरवाज़ों पे किए हैं, डैशबोर्ड किया है, मीटर कंसोल किया है, पिलर्स किए हैं, सेंटर कंसोल किया है गियर के आसपास वाला। तो जो जो पार्ट अच्छे लग रहे थे हमने ओवर वाला काम नहीं किया, गाड़ी में जितनी सोवर लुक आए उतना अच्छा है, इसलिए काम लिमिटेड ही किया गया, ओवर नहीं किया गया इस गाड़ी के अंदर। पीछे की तरफ से भी चेक कर सकते हैं डोर्स और सीट कवर्स। छत पे हमने ब्लैक कलर की पोस्टरी की, अंदर की तरफ से आप देख सकते हो ये वेलवेट मटेरियल है, इसकी लाइफ टाइम गारंटी रहेगी, झुकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, अपनी जगह पर टिकी रहेगी ये। इसके अलावा इसमें हमने 70 मैट्स भी लगाए हैं और जो सीट कवर का मैंने मटेरियल बताया था आपको, सेल्स नापा यूज़ किया गया मयूर का, जो बहुत अच्छा फाइन क्वालिटी का लेदर है, गर्म कम होता है, बदबू नहीं मारता और काफ़ी अच्छा एक्सपेंसिव लेदर है ये। गियर बूट भी किया इसमें हमने, गियर बूट के आसपास वाला एरिया भी किया हमने कार्बन फाइबर। स्टेयरिंग रैप की आप फिट एंड फिनिश चेक कर सकते हो, स्टाइल चेक कर सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है, ओल्ड स्टाइल में लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये हमारा इंटीरियर काम था। इसके अलावा इसमें हमने 18 पीस वाली MSI लगाई है गाड़ी K4 की, जिसमें आपका डैशबोर्ड, चारों दरवाजे, 4 वाटर बॉटल होल्डर, 4 आपके इनर हैंडल, तो टोटल एरिया कवर किए गए हैं। बाकी पैरों वाली 2 लाइटें आगे, 2 पैरों वाली पीछे। थोड़ा सा अभी सिनेमैटिक एंजॉय करो, उसके बाद दिखाएंगे हमने और क्या क्या किया इस गाड़ी के अंदर। ये हमारा कैमरा लगा है फुल HD वाला 360 डिग्री के लिए, ये कंपनी का लगा हुआ था, अब ये यूज़ में नहीं है, ये
कैमरा हमने नया लगाया इसके साथ में, ये पीछे की तरफ हो गया, साइड में हमने शीशों की तरफ लगाया, ये कैमरा लगा हमारा साइड में, लेफ्ट साइड में, फ्रंट का कैमरा हमने ग्रिल में लगाया, ऐसे इस तरफ शीशे में भी लगा हुआ है, और चार कैमरे का लगने के बाद आपका 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। आपको डेमो भी दूंगा गाड़ी के अंदर जाकर। स्टेरिंग कवर की आपने फिनिशिंग तो चेक कर ही ली है, कितना जबरदस्त लग रहा है और मज़ा आ रहा है इसमें, ग्रिप इतनी जबरदस्त आई है, कस्टमर मुझे पता है इसको देखकर 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और एक चीज़ मैंने और बहुत बढ़िया लगाई इस गाड़ी के अंदर, मैंने इसमें हाइपरसोनिक का एंड्रॉइड लगाया 10 इंच के अंदर, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 8-कोर प्रोसेसर, और इसका CPU है जो वो 7862 है, जो अभी तक का बेस्ट CPU मार्केट में अवेलेबल है। QLED इसका डिस्प्ले है, तो क्वालिटी और इतनी ज़बरदस्त है, कोई इसका हिसाब नहीं है। आपको मैं वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ, ऑडियो आपको सुनाऊंगा बट NCS में सुनाऊंगा, ऑब्वियसली इसमें नहीं सुनाऊंगा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो बहुत अच्छा है, और एक चीज़ मैंने इसमें की है, इसके साथ में मैंने इसमें 360 डिग्री कैमरा भी लगाया है, ये देखो। ओल्ड क्रेटा 6 GB रैम स्टीरियो विद 360 डिग्री कैमरा, आप समझ सकते हो कि कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त काम हुए इस गाड़ी के अंदर। आपकी कोई भी गाड़ी है जिसमें स्टीरियो चेंज हो सकता है, स्टीरियो हाइपरसोनिक का लगा के 360 डिग्री कैमरा लगा लो, बहुत मज़ा आने वाला है। इस स्टीरियो की खास बात एक और है, ये स्टीरियो बफर नहीं करता, हैंग नहीं करता, सुपर स्मूथ है, इसका फ्लो इतना अच्छा है कोई हिसाब ही नहीं है, टच इतना अच्छा है, बेस्ट टच है जो मार्केट में अवेलेबल है, इससे अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और ये हाँ, प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स कंपेटेबल है। ऑडियो में इसके अंदर मैंने मॉरेल MK3 के 2 पे कंपोनेंट लगाए हैं, फ्रंट में और रियर में। डैम्पिंग की है मैंने इसमें डॉक्टर आर्टिक्स रेडियम की। 4 चैनल एम्पलीफायर भैया का ऑलरेडी लगा हुआ था, मैंने इसमें एक मोनो एम्पलीफायर लगाया है हाइपरसोनिक का 1000.1 प्रो मॉडल, और 900 RMS मैंने नाकामिची का इसमें वूफर लगाया हुआ है, काफ़ी हैवी वूफर है, लाउड वूफर है, तो आउटपुट भी इसमें बड़ी ज़बरदस्त आने वाली है। अभी आपको NCS का गाना सुनाएंगे जल्दी। इसके अलावा मैंने इसमें ट्रैकर भी लगाया है 1 ईयर वाला, MOSFET कंपनी का, इसकी आपको ऐप मिल जाती है, आप अपनी गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो, इग्निशन कट ऑफ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके अलावा मेरे पास मैप माई इंडिया का भी मिल जाता है। मैंने आवाज़ इसलिए बंद कर दी कि मुझे लग रहा था वो शीशा जो टूटा हुआ है ना वो निकल जाएगा, पूरा ही टूट जाएगा, मतलब इतनी जोर की शीशा हिल रहा है, कोई शीशा हिल रहा है। 900 RMS काफ़ी हैवी होता है, बहुत स्ट्रांग होता है उसकी बेस जो होती है, और काफ़ी अच्छी बेस है, क्लियर है, फील हो रही है, फट नहीं रही बिल्कुल भी। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है आउटपुट ऑडियो की मुझे नहीं पता, आप क्या सुन पा रहे हो, बट बहुत ज़बरदस्त, बहुत हैवी बेस है, बहुत अच्छी क्लैरिटी है, क्योंकि मॉरेल के MK3 स्पीकर्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इस चीज़ों में वायरलेस एप्पल कारप्ले भी है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो भी है, वो भी कंपेटेबल है इसमें। अब आपको वूफर दिखाते हैं, ये हमारी पेटी है वाइपर ऑडियो का, ये हमारा वूफर है नाकामिची का, आपने बेस सुनी ली होगी कितनी ज़्यादा पंची है, ज़्यादा देर से नहीं सुना सकता था, फिर कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, और मज़ा तो पंजाबी गाने इंग्लिश गाने में आता सुनने में। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखा, पर हमने गाड़ी ज़्यादा लंबी रखी है देर के लिए, इसके अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है, ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे बार बार, जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।